अनिल मेहरोत्रा, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन बरेली। ये प्रतियोगिता ऑल इंडिया यूनिक्स सनराइज डॉक्टर अखिलेश दास मेमोरियल ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट हम लोग आयोजित स्पोर्ट्स स्टेडियम बरेली में कर रहे हैं, जिसमें 1125 पुरुष महिला खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसमें मैन सिंगल्स, मैंस डबल्स, लेडीज़ सिंगल्स, लेडीज़ डबल्स तथा मिक्स डबल्स आदि प्रतियोगिताएं होंगी, जो 23 तारीख से शुरू हुई हैं और जिसका क्वालिफाइंग राउंड 25 तारीख को ख़त्म होगा, ये बरेली स्पोर्ट्स स्टेडियम में और SRMS इंजीनियरिंग कॉलेज दोनों में हो रही हैं, जिसमें इसकी समाप्ति 25 को होगी। बाकी का मेन ड्रॉ जो है 26 से लेके 29 को होगा। 26 को इसका इनॉग्रेशन मेन ड्रॉ का होगा और 29 तारीख को फाइनल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है संतोष गंगवार जी हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री करेंगे और प्लस और जो नवनीत सहगल IAS अपने स्पोर्ट्स सेक्रेटरी UP उनका अभी आने का है और हम लोगों ने कोशिश कर रहे हैं कि अपने अनुराग ठाकुर साहब केंद्रीय मंत्री जो हैं स्पोर्ट्स उनको भी बुलाया है, देखिए शायद वो भी आएँ। दिन बर दिन बैडमिंटन में तरक्की हो रही है क्योंकि ऑल ओवर इंडिया बहुत एकेडमीज खुल गई हैं, जिसकी वजह से खेल का स्तर बहुत ऊंचा हो गया है और हर प्रतियोगिता में कोई नया चैंपियन मिल रहा है। खिलाड़ियों को संदेश ये देना चाहेंगे कि भाई जहाँ भी टूर्नामेंट में खेलने जाएं, वो प्रॉपर टाइम जो शेड्यूल टाइम दिया हुआ है वो उसमें मैच रेफरी को अपनी स्वीकृति दें कि हम लोग पहुँच गए, क्योंकि हमने देखा है कि ज़रा सी देरी में वॉकओवर हो जाता है, तो इसलिए पंक्चुअलिटी से खेलें और मेहनत करें और प्रतियोगिता जीतें।